химиотерапия, гормонотерапия, радиотерапия – это все, что ведет гарантированно к дисбиозу. А и вы... если у вас, не дай бог, есть какие-то родственники, знакомые, помогите им очиститься, очистить кишечник, подскажите. А बहुत सारी चीजें हैं जो डिसबायोसिस देती हैं, जैसे कीमोथेरेपी हो गया, रेडियोथेरेपी हो गया, तो इस तरह की चीजें जो है बहुत ज्यादा शरीर के अंदर डिसबायोसिस लेके आती हैं, तो इसलिए आप रिकमेंड करते हैं कि आपके जो जानने वाले हैं तो उनको आप मदद कीजिए इससे. और जब आप देखते हैं कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस सिचुएशन में आ जाता है इंसान, बहुत ज्यादा स्ट्रेस जो होता है उस केसेस में भी डिसबायोसिस होता है. उसके बाद नीचे देखते हैं लार्ज फिजिकल एग्जर्शन एंड डीप फैटिगेशन, यानी जब बहुत ज्यादा शरीर को जो है आप एग्जर्ट करते हैं, फटीग हो जाता है उस केसेस में. Все вредные факторы окружающей среды и плюс наше питание. И если кто-то злоупотребляет алкоголем, это опять факторы, которые нужно выводить из организма, которые нужно очищать. अब ये फैक्टर जो है जो शरीर को बिल्कुल बुरी तरीके से मदद फैक्टर जो है खराब करते हैं. अब एनवायरनमेंट की बात करते हैं, ओवर ईटिंग की बात करते हैं, अगर आप ओवर ईटिंग करते हैं तो भी डिसबायोसिस की प्रॉब्लम आती है. अल्कोहलिज्म की बात करते हैं, अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो शरीर से क्या होता है, शरीर में डिसबायोसिस की प्रॉब्लम आ जाती है. И с возрастом мы тоже не становимся здоровее, и продуктов распада накапливается больше и больше. И для того, чтобы дольше оставаться здоровым, нужно опять очищаться. А вот и бады, age के साथ भी age factor भी होता है कि age के साथ जो है ये substances जो है हमारी body के अंदर कट्ठे होते जाते हैं, जमा होते जाते हैं. लेकिन अगर हमें लंबा जीना है, healthy जीना है, तो हमें इन सब चीजों को शरीर से निकालना होगा. थोड़ा सा alcohol भी. हाँ जी. थोड़ा सा. नहीं, ऐसा नहीं है कि भाई यार थोड़ा थोड़ा, और जैसे फ्रांस की बात कर रहे हैं वो कहते हैं कि थोड़ा, अगर वो भी रेड वाइन, अगर आप रेड वाइन थोड़ा थोड़ा पीते हैं डेली, तो वो